हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लेके आए हैं एम सी क्यूज़ ऑफ दी मैट्रिकस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में से एम सी क्यूज़ करेंगे फिलिंद द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इसके इंपॉर्टेंट करेंगे सी बी एस के पेपर के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स दी हुई है हमने ये बताना है ये कौन सी टाइप की है तो अगर आपके ये जो डाइग्नल एलिमेंट्स जीरो हों और ये जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जैसे ए वन टू और ए टू वन में माइनस का डिफरेंस हो तो ये जो मैट्रिक्स क्या होती है इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ दी ए के तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सी इज इट्स आंसर देन इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ये क्या होगी ए बी ट्रांसपोज डैश से हमने ट्रांसपोज डाला है माइनस बी ए ट्रांसपोज तो इसको हमने पी ए ज्यूम कर लिया एक मैट्रिक्स इसको हमने ज्यूम कर लिया तो इसका हमने ट्रांसपोज सोल्व करना शुरू किया ट्रांसपोज अंदर देख के दोनों टर्म्स का ट्रांसपोज लिया फिर जो फार्मूला होता है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज वो हमने लगा दिया यहाँ पे तो उसको लगाने के बाद ये आ गया माइनस कॉमन निकाली तो माइनस पी के इक्वल आ गया पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी दैट मीन्स ये पी क्या है स्क्यूसमीट्रिक मैट्रिक्स सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ए इज इट्स आंसर देन नेक्स्ट इफ़ ए इज स्क्यूअर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू द्री दैन एड जॉइंट ए क्या होगा तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए जिसका ऑर्डर थ्री है तो उसका डिटर्मिनेंट ए है थ्री तो एड जॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है ए एन माइनस डिटर्मिनेंट ए एन माइनस वन की पावर उसकी क्या होती है एन माइनस वन तो इसमें हमने पुट किया थ्री वैल्यू तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा नाइन इज इट्स आंसर दैन नेक्स्ट सपोज पी इज द इज ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू एन एंड क्या इज ऑफ ऑर्डर एन इंटू पी देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस p इन क्या हो मल्टीप्लाई कब होती है जब इनके पहली के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल हो और जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसके रोज पहली वाली के रोज के इक्वल और उसके कॉलम्स लास्ट एंड वाली के जो कॉलम्स के इक्वल होंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थ्री इंटू पी दैट इज ए इज इट्स आंसर देन नेक्स्ट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री विद ईच एंट्री जीरो और वन इज जो कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनकी एंट्रीज जीरो और वन ही होगी थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की तो हमारे पास प्लेसेस कितने हैं नाइन तो ऑप्शन कितने हैं टू तो टू रेज टू पावर नाइन पहले जगह पे भी दो आ सकते हैं जीरो और वन दूसरी जगह पे जीरो और वन तो टू रेज टू पावर नाइन किया जाए पांच सौ बारह हमारा आंसर आ जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व देन नेक्स्ट दिया गया है पी के ऑर्डर ऑफ सेवन एक्स माइनस फाइव जेड तो दो क्वान्टिटीज जब माइनस होती है उनका ऑर्डर हो क्या होता है सेम होता है तो आईधर टू इंटू एन और टू इंटू बी इज इट्स आंसर सो बी इज इट्स आंसर देन यही क्वेश्चन का एक और पार्ट है टू एक्स जो दे रखी है वो टू इंटू एन ऑर्डर की है एंड जेड जो दे रखा है हमें वो टू इंटू पी का पी जो दे रखी है पी इंटू के की और वाई जो दे रखा है थ्री इंटू के का और डब्ल्यू जो दे रखा है वो देख रखा है हमें एन इंटू थ्री का तो हमने ये बताना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो कब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा किस कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमने पहले पी इन टू वाई की बात करते हैं पी इन टू वाई की तो पी इन टू वाई पी का ऑर्डर क्या है पी इन टू के और वाई का ऑर्डर क्या है थ्री इन टू के दैट मीन्स के इज इक्वल टू थ्री ये हमारा कन्फर्म हो गया कि के जो है वो थ्री के इक्वल है तो अब या तो आंसर सी होगा या ए होगा तो इसके बाद हमने क्या देखा कि जो पी इन टू वाई है उसका ऑर्डर क्या बनेगा पी इं टू के पी इन टू के उसका ऑर्डर बनेगा पी इन के उसका ऑर्डर बन गया पी इन वाई का अब हमने डब्ल्यू इंटू वाई को सोल्व किया डब्ल्यू का था एन इन एन और वाई का था थ्री इन के तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका थ्री इज इक्वल टू थ्री हो गया तो एन इन के इसका वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा दैट मीन्स अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इनके रोज़ भी मैच करेंगे दैट मीन्स एन इज इक्वल टू पी आ जाएगा और के तो के है ही तो एन इज़ इक्वल टू दी एन के इज इक्वल टू थ्री सो इट्स आंसर इज ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा देन नेक्स्ट ए इज़ इक्वल टू हमें दे रखा है कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोज अल्फा एंड हमें दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसफर इक्वल आई तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया टू कोज अल्फा जो इनकी पहली रो के दोनों जो है ऐड किए कोज एल्फा कोजल्फा टू कोज एल्फाइज वन के इक्वल किया इसको और एल्फा हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी डिग्री की बिकॉज कोज सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है वन बाय टू दैन नेक्स्ट तो ए इज़ ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री के ए की वैल्यू क्या होगी तो के तीन बार बाहर आएगा हर एक रो से तीन एक बार बाहर आया तो के की रेस टू पावर थ्री हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा जो ऑर्डर है के रेस टू पावर एन मीन्स जो एन थ्री है तो के थ्री डिटर्मिनेंट ए ए सी इज़ इट्स आंसर देन नेक्स्ट इफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर क्या होगी अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमने एक ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा और ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पी को हमने ए स्क्वायर मान लिया ए इंटू ए तो पी ट्रांसपोज को सोल्व किया ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बिकॉज ये फार्मूला फार्मूलाता है ना ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज तो हमने क्या किया ए ट्रांसपोज की वैल्यू को भी माइनस है और दूसरी ए ट्रांसपोज की वैल्यू को भी माइनस है दोनों का स्क्वायर हो गया माइनस का स्क्वायर जो प्लस होता है तो ए स्क्वायर ही आ गया तो दैट मीन्स पी ट्रांसपोज इक्वल टू दी आ गया तो दे कौन सी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफर टू देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया ए इनवर्स इज इक्वल ज्वाइंट ए अपोन डिटर्मिनट ए का फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं तो दोनों साइड हमने डिटर्मिनंट ले लिया तो एड जॉइंट ए है जो उसका आ जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस वन टू माइनस वन ए वन ही आ जाएगी तो नीचे ए जो डिटर्मिनेंट था वो जब इससे बाहर आएगा तो उसका क्या वैल्यू आ जाएगी ऑर्डर ऑफ़ ऑर्डर एन ए रेज टू पावर एन ए टू से उसको कैंसिल किया तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इसका आंसर आ जाएगा तो वैसे भी आपने याद रखना है अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनंट ए इनवर्स इज्लू दी वन अ डिटर्मिनेंट ए, ए यही होगा तो इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं देन नेक्स्ट इफ़ ए इज ए स्क्वयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री विद डिटर्मिनेंट इज गाइन देन राइट द वैल्यू ऑफ टू एट जॉइंट ए तो टू एट जॉइंट ए की वैल्यू आपने बतानी है जब हम टू को ये ऑर्डर थ्री है इसका एड जॉइंट ए का ऑर्डर थ्री है तो ऑर्डर थ्री वाली मैट्रिक्स के साथ टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी के साथ जब इसको डिटर्मिनेंट लेंगे तो तीन बार टू बार आएगा तो टू रेज टू पावर थ्री लेंगे टू रेस टू पावर थ्री जितना ऑर्डर होगा उतनी ही टू बार आएंगे तो टू रेज टू पावर थ्री तो एडजोइंट A ए की वैल्यू क्या होती है ए एन माइनस वन एन कितनी थी थ्री ए थ्री माइनस वन नाइन का स्क्वायर A ए का था ए का डिटर्मिनट क्या था नाइन नाइन का स्क्वायर इंटू एट एट इंटू एटी वन डेट इज़ सिक्स फोर्टी एट

ए स्क्वायर इज दी वन तो ए क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस वन ए क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस वन देन नेक्स्ट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री ए इज टू एंड ए बी इज टू आई देन बी इज इक्वल टू बी दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया ए इंटू बी ए बी डिटर्मिनेंटी ए इंटू बी ए डिटर्मिनेंट इन टू बी डिटर्मिनंट आई जो है वो ऑटर थ्री का है तो दो बार तीन बार दो बाहर आया तो दो टू रेज टू बावर थ्री हो गया आई आई की वैल्यू वन होती है एट तो जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू टू दे रखी है तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास फोर देन नेक्स्ट इफ़ ए एंड बी तो ऐसे हम करते हैं ये क्वेश्चन को अपने ध्यान से देखना है कि डिटर्मिनंट से जब बाहर आता है स्केलर तो उसकी पावर ऑर्डर की इक्वल हो जाती है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट ऑफ ऑर्डर थ्री डिटर्मिनेंट एज दू एनवर्स का डिटर्मिनेंट माइनस वन बाई सिक्स डिटर्मिनंट बी हमें पता करना है तो हमने क्या किया ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट दे लिया हैड जॉइंट ए बी अपॉन ए बी डिटर्मिनंट का सारे का डिटर्मिनेंट तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए बी का आंसर क्या होगा डिटर्मिनेंट ए बी की रेज टू पावर एन माइनस वन ऑर्डर क्या है थ्री टू आ गया तो ए बी जो है वो तीन ऑर्डर का यह है एडजोइंट अर्जोइंट भी कितने ऑर्डर का है थ्री का तो तीन बार ये डिटर्मिनेंट ए बी बाहर आएगा ए बी रेस टू तो पावर थ्री तो वन अपॉन ए बी बच गया वैसे भी आपने याद रखना है कि डिटर्मिनंट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू दी ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी तो ये आपने याद रखना है फोर ए इनवर्टिबल ए एन बी ए एन बी इनवर्टिबल हो जब तो ये अप्लाई होता है देन माइनस वन बाई सिक्स तो ए बी अलग अलग हो जाते हैं डिटर्मिनट ए बी इज इक्ल द डिटर्मिनट ए इंटू डिटर्मिनट बी माइनस वन बाई सिक्स तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनट बी माइनस सिक्स तो डिटर्मिनेंट बी हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस थ्री दैन नेक्स्ट इफ़ ए इज़ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल द फोर दैन इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया टू का स्क्वायर बाहर क्यों आ गया बिकॉज ऑर्डर टू है मल्टीप्लाई करके भी टू आएगा टू का स्क्वायर टू एज टू बाहर एन निकालना था ना बाहर टू स्क्वायर आ गया तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट तो सभी फोर ही हैं जो डिटर्मिनंट ए का होता है वही ट्रांसपोज का होता है तो फोर इंटू फोर इंटू फोर डेट इज़ सिक्सटी फोर इज़ इट्स आंसर इफ़ ए एंड एन बी आर इनवर्टिबल देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ये वाला नहीं करेक्ट होगा बाकी सभी करेक्ट ही हैं बाकी सभी फार्मूले आपने देखे हुए हैं ये करेक्ट है देन नेक्स्ट इफ़ ये ये मैट्रिक्स है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनमें से लेमडा की वैल्यू बतानी है कौन सी नहीं होगी तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिस एज डज़ नॉट इक्वल टू जीरो इसको हमने सोल्व कर लिया किसी भी रो के हिसाब से इसको ओपन करके चाहे आप इसको टू uh, वन से पहले कॉलम से ही हमने इसको ओपन किया तो डज नॉट इक्वल टू जीरो रख दिया तो लेमडा की वैल्यू माइनस एट बाई फाइव आ गई तो वो तो ऑप्शन नहीं है सर नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा दैन नेक्स्ट ए इन टू एनवर्स वन बाई ए इनवर्स ये ट्रू है या फॉल्स तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देख लेना है ए ए इंटू वन बाई ए इनवर्स तो ए से ये कैंसल ए इंटू ए इनवर्स आई आ गया तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके अगर आई आ रहा है तो एक दूसरे का क्या होगा इनवर्स होगा तो सो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट तो एक आपको प्रॉपर्टी हम यहाँ पर एक और बताते हैं ज्वाइंट ए इंटू ए दिस इज़ ऑल्सो इक्लो दी ए रेस टू पावर एन माइनस वन एट जॉइंट ए ये भी आपको प्रॉपर्टी लिख लेनी है साइड में एट जॉइंट ए इन टू मैट्रिस ए यहाँ पर एक नॉन जीरो स्केलर है तो ए रेस टू पावर एन माइनस वन जो ए का आउटर होगा एट जॉइंट ए की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो सकती थी नेक्स्ट ए इनवर्स डिटर्मिनेंट एनवर्स इज इक्लू दी नोट ड नॉट इक्लो दी ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स वेयर इज नॉन सिंगुलर मेट्रिक्स ये सॉरी uh, ये हमने गलत बता दी है जो फॉल्स है इक्वल होते हैं ये नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल कैन बी इन्वर्टिबल अगर इन्वर्टिबल है तो ए एक्जिस्ट करेगा अगर इन्वर्टिबल है ए इज़ नॉन सिंगुलर दैट मीन्स ये इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनंट ए एग्जिस्ट करेगा तो डिटर्मिनंट ए अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फार्मूला इक्वल होगा डज नॉट इक्वल नहीं इक्वल होगा तो ये फॉल्स होगा इसका दैन नेक्स्ट Uh, sorry, inverse, ए रेज टू पावर थ्री का डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स ए इनवर्स का रेज टू पावर थ्री एज स्क्वायेर मैट्रिक्स देन ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये ट्रू ही होगा क्योंकि पावर इंटरचेंज हो सकती है देन नेक्स्ट द एरिया ऑफ़ द ट्रैगल विद वट इज दिस वन इज नाइन स्क्वायर यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के विल भी तो आपको एरिया का फार्मूला पता है वन बाई टू एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री वन 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 को नाइन के इक्वल रख देना है तो के को यहाँ से आपने सोल्व करना है के की वैल्यू थ्री आ जाएगी तो ये थे हमारे मेट्रिस एंड डिटर्मिनेंट के वन मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से उठाए गए और सैम्पल पेपर के बेस्ड ये क्वेश्चन थे तो ये एग्जाम्पलर के भी हमने प्रॉब्लम्स इसमें डाली हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको बेसिकली ध्यान देना है इन क्वेश्चंस में छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स पे और सभी फार्मूला पे जो कि हिडन्स हैं जो आपके माइंड में नहीं आते जर्नली तो उन सभी के नोट्स बना लेने हैं अलग से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा थैंक यू